बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम हो गया जी आपको अपने यूट्यूब चैनल आरजे मेविश में। मेरी दुआ है कि मेरे तमाम चाहने वाले खुश रहें, आबाद रहें। कल वीडियो नहीं आई, आपको पता है, एक दिन अभी रेस्ट करती हैं, एक दिन वीडियो अपलोड करती हैं, क्योंकि पहले तो मजबूरी होती थी चैनल पर वीडियो बनाना, क्योंकि आपको पता है चैनल की इनकम से ही पूरा घर चलता था। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड बहुत अच्छी हैं, वो कहती हैं कि बस गर्मी में कहीं ना रुलो, बस अभी अपना शौक पूरा करने के लिए जब दिल करता है वीडियो बना लेती हैं। तो आपको पता है जिस तरह से तैयारियां हमारी सारी फाइनल हो गई थी। पहले हमारा इरादा था कि हम 30 की टिकट करवाएंगे, फिर हमारे कुछ कपड़े रह गए थे सिलने वाले हस्बैंड साहब के, और कुछ चीज़ें ज़रूरत की रह गई थी, और वैक्सीन वगैरह का जो है इशू आ रहा था, वैक्सीन वगैरह करवाते हुए फिर हमें फर्स्ट हो गई। फर्स्ट के बाद आज तकरीबन दो है, इंशाल्लाह चार या पाँच को रवानगी है मेरी। तो मैं पप्पो के घर आई हूँ, हस्बैंड साहब की खास फरमाइश थी कि मेरे लिए टिकड़े बनवाओ। मैंने कहा मैं तो पूरी लाइफ में कभी टिकड़े वगैरह बनाए नहीं हैं, तो उसकी फरमाइश तो पूरी करनी थी। अभी मैं पप्पो के घर आई तो कज़न को कहा कि बना दो, तो सुबह से लगे हुए हैं इसी काम में हम, और इंशाल्लाह मज़ेदार किस्म के टिकड़े आपके साथ रेसिपी बनाकर शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। पसंद आने की सूरत में हमारे यूट्यूब चैनल आरजे मेविश को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर आने वाली अच्छी सी वीडियो आप लोगों को बरवक्त मिल सकेगी। और यहाँ पर मैं वही गुजारिश करूँगी कि आरजे महविश पेज मेरा नहीं है, और ना ही फेसबुक का कोई भी पेज मेरा है। मैंने आज तक फेसबुक का पेज कभी बनाया ही नहीं, मेरा सिर्फ यूट्यूब का चैनल था, मैंने उसी पर मेहनत की, और अल्हम्दुलिल्लाह से आज मेरे यहाँ पर 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा मैं टिकटॉक जस्ट टाइम पास के लिए यूज़ करती हूँ, और स्नैक भी की भी आईडी है मेरी आरजे महविश ऑफिशियल के नाम से, वहाँ पे भी मैंने 3 मंथ में 1 मिलियन जो है फॉलोअर कंप्लीट किए, उसके बाद उसको भी छोड़ दिया। तो पेज मेरा नहीं है, ना ही कभी मैंने किसी पेज पर अपना नंबर दिया है पर्सनल, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने कभी भी किसी को नहीं दिया। ये फेक पेज हैं और फेक ही नंबर हैं, तो प्लीज़ आप इन बेगैरत लोगों से होशियार रहें। कल कलां को किसी के साथ कोई मसला हुआ तो इस चीज़ की मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, तो मेरी वीडियो के साथ साथ रहें। अभी मैं जा रही हूँ बाजार, बाजार में क्या करने जा रही हूँ ये आगे चलकर आप लोगों को मैं बताती हूँ। तो आप लोगों ने हमारी आज की वीडियो के साथ जुड़े रहना है। हमने अपने प्यारे से कोटचूटा सिटी पहुँच चुकी हैं, गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा है। आगे चलते हैं, जिस काम के लिए आए हैं वो कर लेते हैं। मैं घर सोई रही, मुस्कान बाजार गई और टिकड़े वगैरह का सामान खरीद कर ले। आप देख सकते हैं जो रजब में टिकड़े बनाते हैं लोग, वही टिकड़े बनवा कर दुबई ले जा रही है, तो उसका सामान हम बाजार से लेने आए हुए हैं, फिर घर चलती हैं टिकड़े बनाते हैं। तो आप लोगों ने हमारी आज की वीडियो के साथ जुड़े रहना है, अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। चिकी पे मचा की ना गो और देखो गड़ी गड़ी खाती पे गड़ी आठ YouTube चैनल आरजे महविश की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। गर्मी में हस्बैंड साहब की फरमाइश पूरी करने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। अम्मी अल्लाह पाक ने इतना केयर करने वाला आपको हस्बैंड दिया है, हाँ तो उसकी खिदमत करनी तो बनती है। वो तो है, हाँ। जो आप मेहनत कर रही हो ना, वो देख कर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होगा। हाय अल्लाह मी, तेरे पैर कितने चिट्टे ने। हाँ टिकड़ों के लिए जो आटा गूंदना पड़ता है वो दूध के साथ गूंदना पड़ता है, दूध खालिस होना चाहिए, साथ में थोड़ा सा घी भी डालना पड़ता है। हमने सारे खुश्क मेवा जात अच्छे तरीके से ग्राइंड करने के बाद दूध के साथ इसको सख्त सख्त गूंदने के बाद इस तरह से इसके खूबसूरत से टिकड़े बना लिए हैं।